भारत और चीन के बीच लंबे वक्त के बाद बातचीत का भले ही दौर रूस में शुरू हुआ हो, लेकिन इससे पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में एक आस जगी है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा के साथ भारत चीन व्यापार फिर से शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। ২০২০ से भारत और चीन के रिश्तों में तलखी बढ़ी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारण मानसरोवर के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड भी बंद है। बीते 5 सालों में ना तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो पाई है और ना ही इंडो चाइना ट्रेड हुआ है। नतीजा ये है कि चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले भारतीय व्यापारियों की कमर पूरी तरह टूटी है। हालात तो इस कदर खराब हैं कि भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का सामान चीन की तकलाकोट मंडी में सालों से फंसा है। लेकिन पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने बॉर्डर के इलाकों में नई आस जगाई है। एक बहुत बड़ा मीटिंग रहा हमारे पीएम साहब और चाइना के जिनपिंग जी से, तो हमें थोड़ा सा आस है कि शायद इस वजह से ये हमारा अगर व्यापार खुलने की क्या कहते हैं उम्मीद है। उधर भारतीय श्रद्धालु 1981 से कैलाश पर्वत के साथ मानसरोवर के दर्शनों के लिए हर साल जाते थे। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 1992 से इंडो चाइना ट्रेड का भी आगाज हुआ था। तकलाकोट मंडी में होने वाले ट्रेड से भारत चीन के रिश्तों की डोर तो मजबूत होती थी, साथ ही बॉर्डर पर बसे दोनों मुल्कों के व्यापारियों की जरूरतें भी पूरी होती थी। जानकार भी मानते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के कई बेहतर नतीजे सामने आएंगे। मीटिंग हुई है, दोनों राष्ट्र अध्यक्ष मिले हैं दोनों देशों के, तो इनसे आने वाले समय में जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है उसमें बेनिफिट मिलेगा और व्यापार में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सालों से जारी तल्खी भी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो तय है कि लिपुलेख बॉर्डर तो आबाद होगा ही, साथ ही भारतीय व्यापारियों की दिक्कतें भी दूर होंगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेति की रिपोर्ट। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लेडी डॉन अनु को गिरफ्तार किया है। बर्गर किंग में हुई हत्या के बाद से ही अनु लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई थी। वो हिमांशु भाऊ गैंग की सदस्य है। इस हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी और अनु को नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया है। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लेडी डॉन अनु फरार चल रही थी और दावा है कि फरारी के वक्त अनु जम्मू, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग शहरों में छिपी रही। दावा है कि अनु लखीमपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। इस दौरान वो सिग्नल ऐप के लिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लगातार संपर्क में थी और वो उसकी फाइनेंशियली मदद भी कर रहा था। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ नेपाल के साथ अनु को दुबई बुलाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही धर दबोचा।